तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे गांव का मतलब सारनाथ का बता दें कि ये हनुमान मंदिर है जहां पे जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। तो हम सोचे कि उन आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने गांव का आपको दिखा दूं जन्माष्टमी उत्सव। तो चलिए मंदिर के परिसर में चलते हैं अंदर और क्या चीज़ें हैं, कैसे सजाया गया है, उन सारी चीज़ों को मैं दिखाता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा आप इस वीडियो में बैकग्राउंड में देख सकते हैं, मैं मंदिर के अंदर हूँ और आपको मैं बता देता हूँ कि आज जन्माष्टमी है। मेरे YouTube चैनल से और मेरे YouTube परिवार को आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज यहाँ का वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ का मैं बता देता हूँ, यहाँ के ऑपरेटर की बात की जाए तो यहाँ पे चंदन रेडियो का पूरा सेटअप लगा हुआ है और उनका डेकोरेशन भी है एक तरह से देखा जाए। और हमारे गाँव के बाल नवयुवक समिति के द्वारा इस आयोजन को किया जाता है। जैसा मैं बता देता हूँ, इसमें बहुत लोगों का सहयोग है, मैं उन सबसे भी मिलाऊंगा, उन सबके बारे में बताऊंगा। तो चलिए मैं एक झलक इस मंदिर के जन्माष्टमी की सजावट को और इन सब सारी चीज़ों को मैं दिखाता हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए आपको मैं मंदिर में दिखाता हूँ कि तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कि जितना भी कार्यक्रम चल रहा है, जितना भी आयोजन किया गया है, ये हमारे गांव के नवयुवक और मेरे गांव के लड़के ही हैं। जैसा आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये लोग हैं और इन्होंने ये सब कार्यक्रम को रखा है और इन्होंने पूरी सजावट की है। ये हम बता दें आपको, ये पूरे एक हफ्ते से इन्होंने बहुत ज़्यादा सराहनीय काम किया है और काम करने के बाद पूरी सजावट किया है। ये सब चीज़ों को मैं दिखा दूँ। यहाँ पर सेटअप की बात की जाए तो देखो सेटअप लगा हुआ है, चंदन डीजे का सेटअप लगा हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं गांव के लड़के हैं हमारे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मंदिर का कितना अच्छा सजावट किया है। और एक्चुअली बता दें हम कि ये वॉइस ओवर हम कर रहे हैं घर पे, क्योंकि वहाँ पे डीजे सेटअप लगा था तो कॉपीराइट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड थी तो हमें लगा कि ऐसे वीडियो शूट कर लेने से नहीं होगा, घर पर वॉइस ओवर करना पड़ेगा। कोई चांस नहीं था कि हम वहाँ पर कुछ कर पाते। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सजावट है मंदिर की और कितना कुछ है सब कुछ। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने अगल बगल लोगों को साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखा जाए तो अपने सारनाथ का जन्माष्टमी उत्सव